नमस्कार। इंट्रोडक्शन टू जेमोल एप्लीकेशन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं जेमोल एप्लीकेशन विंडो और कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में संक्षिप्त में समझाऊंगी। हम निम्न सीखेंगे, मेन्यू बार, टूल बार और जेमोल पैनल। जेमोल पैनल के आकार को कैसे रूपांतरित करें, सामान्य ऑर्गेनिक अणुओं के मॉडल्स को बनाना, हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलकर अणु बनाना। हम यह भी सीखेंगे, स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज करना और इमेज को .mol फाइल की तरह सेव करना। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको हाई स्कूल केमिस्ट्री और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 12.04, जेमोल वर्जन 12.2.2 और जावा वर्जन 7। ध्यान दें, जेमोल एप्लीकेशन को आसानी से रन करने के लिए आपके सिस्टम पर जावा संस्थापित होना चाहिए। जेमोल एप्लीकेशन के बारे में, यह फ्री और ओपन सोर्स मॉलिक्यूलर व्यूअर है। केमिकल स्ट्रक्चर के थ्री डायमेंशनल मॉडल्स देखने और बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और प्रोटीन्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भी उपयोग होते हैं। डाउनलोड और संस्थापन से संबंधित जानकारी, उबंटू ओएस के लिए उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर उपयोग करके जेमोल का संस्थापन किया जाता है। कृपया हमारी वेबसाइट www.spoken-tutorial.org पर लिनक्स सीरीज में इस ट्यूटोरियल का अनुसरण करें। विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड यंत्रों पर संस्थापन के लिए कृपया www.jmol.sourceforge.net पर जाएं और वेब पेज पर संस्थापित करने के लिए दिए निर्देशों का अनुसरण करें। मैंने पहले ही Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर उपयोग करके अपने सिस्टम पर जेमोल एप्लीकेशन संस्थापित कर लिया है। जेमोल एप्लीकेशन खोलने के लिए डैश होम पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में टाइप करें जेमोल। जेमोल आइकन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जेमोल एप्लीकेशन विंडो खोलने के लिए जेमोल आइकन पर क्लिक करें। जेमोल एप्लीकेशन विंडो पर सबसे ऊपर मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे टूल बार है। यहाँ डिस्प्ले एरिया है जो जेमोल पैनल की तरह निर्दिष्ट किया गया है। मेन्यू बार में भिन्न विकल्प हैं जैसे फाइल, एडिट, डिस्प्ले आदि। इनमें से प्रत्येक कई उपविकल्प भी रखते हैं। अन्य विकल्पों के अलावा टूल्स मेन्यू परमाणुओं के बीच दूरी नापने के लिए टूल्स रखता है। इन विकल्पों के बारे में हम आगामी ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। हेल्प मेन्यू जेमोल एप्लीकेशन के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी रखता है। यह एक यूजर गाइड भी रखता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है। टूल बार बहुत सारे मेन्यू आइकन्स रखता है। मेन्यू आइकन्स कुछ फंक्शंस को जल्दी से निष्पादित करता है जैसे ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, प्रिंट आदि। यहाँ दूरियां नापने, परमाणुओं के सेट को सेलेक्ट करने, घुमाने आदि के लिए आइकन्स का सेट है। मॉडल किट आइकन आणविक मॉडल्स को एडिट करने और बनाने के लिए प्रयोग होता है। अपनी जरूरत के अनुसार जेमोल पैनल को रिसाइज किया जा सकता है। कर्सर को विंडो के किसी कोने पर लाएं जब तक यह एरो इंडिकेटर में ना बदल जाए। अब विंडो को डायगोनली ऊपर या नीचे खींचकर रिसाइज करें। मेन्यू बार में डिस्प्ले मेन्यू पैनल के साइज को बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले मेन्यू पर क्लिक करें और रिसाइज विकल्प सेलेक्ट करें। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां हम विड्थ और हाइट पिक्सल्स में स्पष्ट कर सकते हैं। मुझे 800 बाय 600 पिक्सल्स साइज की विंडो की जरूरत है, अतः मैं टाइप करूंगी 800 स्पेस 600 और ओके बटन पर क्लिक करें। अब जेमोल पैनल 800 बाय 600 पिक्सल्स में रिसाइज होता है। अब कुछ सरल ऑर्गेनिक अणुओं के मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल किट हमको एनर्जी मिनिमाइजेशन के साथ मॉडल्स को रूपांतरित करने और बनाने की अनुमति देती है।
टूल बार में मॉडल किट आइकन पर क्लिक करें। पैनल पर मीथेन का एक मॉडल प्रदर्शित होता है। जेमोल पैनल के ऊपर बाएं कोने पर एक मेन्यू प्रदर्शित होता है। इस मेन्यू की विशेषताओं में निम्नलिखित सक्षमताएं हैं: परमाणुओं को आसानी से जोड़ना, मिटाना, खींचना, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना, बॉन्ड्स को मिटाना, जोड़ना और घुमाना, हाइड्रोजन्स जोड़ना, मिनिमाइज करना और फाइल सेव करना आदि। मेन्यू पर एक निश्चित विशेषता प्रयोग करने के लिए उपलब्ध चेकबॉक्स पर क्लिक करें। मॉडेलकिट फंक्शन एक हाइड्रोजन परमाणु को एक मिथाइल ग्रुप से बदलने की अनुमति देता है। जिस हाइड्रोजन परमाणु को आप बदलना चाहते हैं उस पर कर्सर लाएं। उस हाइड्रोजन परमाणु पर एक रेड रिंग प्रदर्शित होती है। परमाणु पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि एक मिथाइल ग्रुप जोड़ा गया है। मीथेन अणु अब इथेन में बदल गया है। पहले की तरह ही स्टेप दोहराएं। प्रोपेन का मॉडल प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें। इस अणु पर एनर्जी मिनिमाइजेशन हमें अधिकतम स्थिर कॉन्फॉर्मेशन देगी। एनर्जी मिनिमाइजेशन करने के लिए मॉडल किट मेन्यू में विकल्पों पर नीचे जाएं। मिनिमाइज विकल्प पर क्लिक करें। अब हमारे पास प्रोपेन अणु का अधिकतम स्थिर कॉन्फॉर्मेशन का मॉडल है। इस स्ट्रक्चर को .mol फाइल की तरह सेव करने के लिए मॉडल किट मेन्यू खोलें। मेन्यू पर नीचे जाएं और सेव फाइल विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर सेव डायलॉग बॉक्स दिखता है। उस फोल्डर पर क्लिक करें जहां आपको अपनी फाइल सेव करनी है। मैं अपनी फाइल सेव करने के लिए डेस्कटॉप चुन रही हूं। अतः डेस्कटॉप सिलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। फाइल नेम पर जाएं और टेक्स्ट बॉक्स में प्रोपेन टाइप करें। फाइल्स ऑफ टाइप पर क्लिक करें और मॉल विकल्प सेलेक्ट करें। अब डायलॉग बॉक्स के नीचे दाईं तरफ सेव बटन पर क्लिक करें। डेस्कटॉप पर प्रोपेन का 3D मॉडल .mol फाइल की तरह सेव होगा। जेमोल को एग्जिट करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए एग्जिट विकल्प सिलेक्ट करें। इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: जेमोल एप्लीकेशन विंडो के बारे में, जेमोल पैनल को रिसाइज करना, सरल ऑर्गेनिक अणुओं जैसे मीथेन, इथेन और प्रोपेन के 3D मॉडल्स बनाने के लिए टूलबार में मॉडल किट फंक्शन प्रयोग करना, हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से बदलकर अणु बनाना, स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइजेशन करना और इमेज को .mol फाइल की तरह सेव करना। जेमोल मॉडल किट फंक्शन प्रयोग करके निम्न अणुओं के मॉडल्स बनाएं: 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन और 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइज करें। .mol फाइल की तरह इमेज सेव करें। टूलबार में रोटेट मॉलिक्यूल प्रयोग करके मॉडल को घुमाएं। आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।